भारत की रेटिंग घटाने और स्थिर रखने के रेटिंग एजेंसियों के अनुमान से मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम नाखुश। उनका मानना है कि भारत का बुनियादी ढांचा इतना मजबूत है कि उसे बेहतर रेटिंग मिलनी चाहिए। सीए ने कर्ज चुकाने की क्षमता और मंशा को गोल्ड स्टैंडर्ड का बताते हुए रेटिंग कमजोर करने का केस खारिज किया है। कोरोना काल के खात्मे के बाद भारत की आर्थिक विकास दर के तेज रफ्तार से दौड़ने की उम्मीद है। इसका भरोसा भारत सरकार के राहत पैकेज के बाद कई गुना बढ़ गया है। 2020-21 के लिए आरबीआई समेत तमाम रेटिंग एजेंसीज ने नेगेटिव विकास दर का अनुमान लगाया है। अब तो कई बार टालने के बाद पहली बार सरकार ने भी इस साल विकास दर के नेगेटिव जोन में जाने की आशंका जता दी है। लेकिन राहत पैकेज से पहले जो भी अनुमान आए थे उनमें अगले साल के लिए तेज विकास दर का जो अनुमान था वो हाल ही में आए फिच और S&P ग्लोबल के अनुमान के मुकाबले बेहद कम थे। दरअसल पहले ही अनुमान जताया जा रहा था कि सरकार का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज या कहें सुधारों का पिटारा तुरंत असर नहीं दिखाएगा। ऐसे में राहत पैकेज के बाद आए फिच रेटिंग्स के अनुमान में 2021-22 के लिए भारत के विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं S&P ग्लोबल ने अगले कारोबारी साल के लिए 8.5% विकास दर का अनुमान जाहिर किया है। हालांकि मौजूदा साल के लिए दोनों एजेंसियों का विकास दर के -5% तक लुढ़कने का अनुमान है। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इन रेटिंग एजेंसियों के भारत की रेटिंग से इत्तेफाक नहीं रखते। S&P ने इस साल भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स BBB में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि लंबे समय की रेटिंग पर भारत का आउटलुक स्थिर है। इसके पहले मूडीज ने भी भारत की रेटिंग को निवेश के लिहाज से सबसे न्यूनतम स्तर पर रखा था। रेटिंग के सम्मान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार का मानना है कि भारत की बुनियादी मजबूती बेहतर रेटिंग हासिल करने की काबिलियत रखती है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का दावा है कि भारत की कर्ज चुकाने की क्षमता और मंशा गोल्ड स्टैंडर्ड है। दे एक्सपेक्ट द जनरल गवर्नमेंट डेट टू GDP फॉर इंडिया टू बी सस्टेनेबल एंड इन फैक्ट कम डाउन इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ पाथ दैट वी आर लाइकली टू फॉलो गिवन द एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। वैसे भारत कोरिया और रूस को पीछे छोड़कर केवल जापान और चीन से पीछे तीसरे नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में आ गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $0.5 trillion के जादुई आंकड़े को छूने के लिए बेताब है। ये रकम अगले 17 महीनों तक आयात का बिल चुकाने के लिए काफी है। ऐसे में रेटिंग को लेकर CEA की शिकायत वाजिब नजर आती है। लेकिन साथ ही उन्होंने भारत के सुधारों की रफ्तार को अगले साल के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान लगाते वक्त ध्यान में रखने के लिए रेटिंग एजेंसियों से इत्तेफाक भी जताया है। This year the growth being, you know, being very low and possibly there being a, you know, a decline in output is something that is part of our working assumptions. At the same time, the recovery, you know, possibly in the second half of the year or, you know, or next year is also part of our, you know, baseline expectations. ग्रोथ में रिकवरी को लेकर तो मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कोई साफ दावा नहीं किया, लेकिन इशारों में ये जरूर कह डाला कि रेटिंग एजेंसियों के अगले साल के अनुमान के उलट इस साल की दूसरी 6 माही यानी अक्टूबर से भी भारत ग्रोथ का पहिया पकड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन ने इस बार सबको ऑनलाइन दुनिया से रूबरू करा दिया। इसी ऑनलाइन दुनिया में डिस्काउंट्स और स्कीम्स के दम पर रियल एस्टेट सेक्टर में धीमी रफ्तार से बिक्री जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक डेवलपर्स ने लॉकडाउन में भी प्रॉपर्टी खरीदारों को लुभाने में कामयाबी हासिल की। लॉकडाउन के दौरान जब हर एक सेक्टर ठप था तो प्रॉपर्टी मार्केट में भी सूनापन दिखाई दे रहा था। उस वक्त घर पर कैद लोगों को डिजिटल रूट से लुभाने के लिए डेवलपर्स भारी भरकम डिस्काउंट्स का ऐलान कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि जिस कोरोना काल में नौकरी का भरोसा नहीं है और सैलरी कट की तलवार लटक रही है, वहीं पर घर कार तो दूर लोग केवल जरूरी सामान ही खरीदेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। देश के दिग्गज डेवलपर्स ने लॉकडाउन के दौरान प्रॉपर्टी की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। इनके जरिए उन्होंने ये दिखाने की जोरदार कोशिश की है कि निवेश के मामले में प्रॉपर्टी की बिक्री घटी जरूर है, लेकिन अब भी निवेश के कई विकल्पों पर भारी पड़ रही है।
लॉकडाउन के दौरान कुछ चुनिंदा डेवलपर्स ने बहुत ही अच्छी सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका कारण है ल्यूक्रेटिव स्कीम्स जैसे 1090 प्लान, कस्टमाइज पेमेंट प्लान, इसके अलावा डिजिटल टूल्स जो कि वेबिनार्स, जूम मीटिंग्स, वर्चुअल टूर प्रॉपर्टी का, जिससे लोगों को बहुत आराम हुआ अगर बैठे प्रॉपर्टी का सर्वे करा लोगों ने। बड़ी ब्रांड इस समय बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स दे रही हैं, जैसे 1090 पेमेंट प्लान जिसमें कस्टमर को अभी सिर्फ 10% पेमेंट देनी होगी वाइल 90% पेमेंट उसको प्रोविजन के टाइम पे देनी पड़ेगी। ये एक ऐसी अट्रैक्टिव स्कीम है जो कभी भी बड़े डेवलपर्स ने ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड ऑफर नहीं करी थी। अब तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गोदरेज प्रॉपर्टीज ने लॉकडाउन के 70 दिनों में 500 यूनिट्स की बिक्री की, लोढ़ा ग्रुप ने 25 मार्च से 31 मई के बीच 1000 फ्लैट्स बेचे हैं, गौड़ ग्रुप ने 70 दिनों में 225 करोड़ कीमत के 700 फ्लैट्स लॉकडाउन के दौरान बेचे हैं, मिक्सन ग्रुप ने 70 दिनों में 252 करोड़ कीमत के 500 फ्लैट्स बेचे हैं। डेवलपर्स का दावा है कि आसान स्कीम्स ने ग्राहकों को लॉकडाउन में मिल रहे भारी भरकम डिस्काउंट्स का फायदा लेने पर मजबूर कर दिया। जो पिछले एक साल से हमारी इंक्वायरीज थी उसको हमें क्लोजर पे लेके आना था, उसके लिए हमने बहुत इनोवेटिव स्कीम्स दी हैं कस्टमर्स को सो दैट वो अच्छा अपना उसको यूसेज कर पाए। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक अ बाय अ प्रॉपर्टी बिकॉज इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स और रेट्स नहीं मिलेगा आपको। दूसरा क्या है, हमने अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख का टिकट साइज पे फोकस किया था, अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने 500 यूनिट बेची हैं और 250 करोड़ का बिजनेस किया है हमने टोटलिटी। जिन खास वजहों को प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ाने में मददगार बताया जा रहा है उनमें शामिल है डिजिटल रूट्स जिसमें आसान भुगतान के विकल्प ग्राहकों को दिए गए, ईएमआई मॉरेटोरियम और 1090 जैसी स्कीम्स, 10 साल में सबसे कम दर पर पहुंचे होम लोन रेट्स। अब कोरोना काल के बाद जिस तरह के नए घर बनाए जाने की योजना है उससे तो उम्मीद है कि रियल एस्टेट में नई डिमांड पैदा हो सकती है। जो एंट्री वे हमारी होती है फ्रॉम हमारे बिल्डिंग के एंट्री से लेकर हमारे घर तक, वो पूरा जो रास्ता है हैज़ टू बी वेरी वेरी वेल प्लान्ड एंड वेल थॉट ऑफ। ये पूरा एरिया कम्प्लीटली नॉन टच करना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं हो और स्प्रेड नहीं हो कोई भी वे में। हमारे प्लानिंग में जब हम घर बना रहे हैं वी आर लुकिंग एट 2.5 बेड या 3.5 बेड या 1.5 बेड एज एन ऑप्शन बिकॉज वो हाफ बेड बहुत ज़रूरी होगा अपने वर्क फ्रॉम होम एरिया के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन और वर्क फ्रॉम होम कल्चर को समझते हुए आज जितने भी स्टडी स्पेसेस, वर्क स्टेशंस, वाईफाई होम्स, होम ऑटोमेशंस, टोटल डिजिटाइजेशन एक्सपीरियंस को शायद ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। एयर कंडीशनिंग होम्स की जगह नए खुले हवादार घरों का चलन ज़्यादा रहेगा। पार्किंग स्पेस से लेकर अपने घर तक एंटर करने तक जितने भी कॉमन एरियाज होंगे उसमें टोटल टचलेस एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। वैसे असल में आंकड़े केवल मार्केट के ना रुकने का संकेत है, अगर इनकी तुलना बीते वर्षों की समान अवधि से की जाए तो फिर अलग अलग डेवलपर्स की बिक्री में अंतर साफ नजर आता है। जहाँ ये नंबर काफी बड़े भी नजर आएंगे वहाँ भी डिस्काउंट और स्कीम्स के चलते प्रॉफिट में गिरावट दिखाई देगी। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बिज़ तक।